हाय फ्रेंड्स, दिस इज उमेश मालविया। जी हाँ, मेरा नाम उमेश मालवीय है और मैं UCMB मीडिया का एडिटर इन चीफ हूँ। दोस्तों, यादों के सफर के इस विशेष एपिसोड में आज मैं जिस शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, वह बॉलीवुड की एक ऐसी सुपरस्टार रह चुकी है जिसने 80 के दशक से कई सालों तक भारतीय सिनेमा के रूपहले पर्दे पर राज किया। जी हाँ दोस्तों, मैं स्वर्गीय श्रीदेवी के बारे में आपसे बातें करने जा रहा हूँ, जो एक आला दर्जे की नृत्यांगना के साथ साथ एक बहुत ही विनम्र और भावप्रवीण अभिनेत्री भी थी। भारतीय फिल्मी जगत में नंबर वन के स्थान पर लंबे समय तक आसीन रहने वाली, अपने कुशल नृत्य और सरल अभिनय से हर फिल्म को ऊंची कामयाबी दिलाने वाली इस शानदार अदाकारा श्रीदेवी का नाम बॉलीवुड के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो चुका है। इनकी सैकड़ों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जो धूम मचाई, उसे लाखों सिनेमा प्रेमी बरसों भुला नहीं पाएंगे। श्रीदेवी से मिलने का सौभाग्य मुझे कई बार मिला, देश में और विदेश में भी। आइए, अपनी यादों का सफर की इस कड़ी में मैं श्रीदेवी से अपनी विभिन्न मुलाकातों के अनुभव यहाँ शेयर करना चाहूँगा। श्रीदेवी से मेरी पहली मुलाकात बांद्रा मुंबई स्थित महबूब स्टूडियो में सन 1986 में हुई थी। उस समय मैं संगीतकार बप्पी लाहिरी के निमंत्रण पर उनके गाने की रिकॉर्डिंग के अवसर पर जब वहाँ सपत्नी गया था, तब पास ही के सेट पर श्रीदेवी भी शूटिंग कर रही थी। श्रीदेवी के प्रशंसक मेरी धर्मपत्नी सुमन को जब यह पता लगा, तब हमने श्रीदेवी से भी मिलने को सोचा और सौभाग्य से उनसे उसी समय मुलाकात भी हो गई और वह पल एक यादगार लम्हा बन गया। इसके कुछ सालों बाद श्रीदेवी से मेरी भेंट कुवैत में 1988 में वहाँ मेरे 2 वर्षीय प्रवास के दौरान हुई। उस समय भारतीय सिने कलाकारों के संगीत और नृत्य का एक भव्य कार्यक्रम ऋषि और श्रीदेवी के साथ बप्पी लाहिरी की रात, यह प्रोग्राम दिसंबर 1988 में ही कुवैत के विशाल अंदालुस थिएटर में रखा गया था। इसमें ऋषि कपूर, श्रीदेवी, बप्पी लाहिरी के अलावा कई लोकप्रिय कलाकारों ने हिस्सा लिया था, जैसे सईद जाफरी, नूतन और श्रीदेवी के पेरेंट्स भी, जो उस समय वहाँ मंच के साइड में ही बैठे थे। और इनके अलावा किरण खेर, नरेंद्र भंसाली, शब्बीर कुमार आदि कलाकार भी वहाँ मौजूद थे, जिन्हें प्रसिद्ध फिल्मकार यश चोपड़ा अपने ग्रुप के तौर पर ले गए थे। अपनी ही सुपरहिट फिल्म नगीना के लोकप्रिय नागिन सपेरा नृत्य पर डांस कर श्रीदेवी ने सबको भाव विभोर कर दिया। इसके बाद दर्शकों से उन्होंने स्टेज माइक पर बहुत सारी बातें भी की। ऋषि कपूर के साथ श्रीदेवी के एक जोरदार भांगड़ा डांस ने तो दर्शकों का दिल ही जीत लिया। उस समय मैं स्टेज के साइड में ही मौजूद था, सो मुझे बीच बीच में श्रीदेवी से उनके इस कार्यक्रम और उनके कुछ आने वाली फिल्मों के बारे में बातें करने का मौका भी मिला। सात समंदर पार विदेश में अपने ही देश के प्रतिभाशाली और लोकप्रिय स्टार कलाकारों से मिलने के संतोष को शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। इस समारोह के दूसरे दिन कुवैत के भारतीय राजदूतावास में आयोजित लंच कार्यक्रम के दौरान भी मुझे श्रीदेवी के अलावा और बाकी कई सेलिब्रिटी से अनौपचारिक रूप से बातें करने का मौका मिला, जैसे ऋषि कपूर, यश चोपड़ा, अनुपम खेर इत्यादि। कार्यक्रम के प्रमुख मेजबान कुवैत में भारत के तत्कालीन राजदूत नागेंद्र नाथ झा भी सपत्नीक वहाँ मौजूद थे और खुद सभी मेहमानों का स्वागत कर रहे थे। इसके कुछ वर्ष बाद मुंबई में 1990 में जब मैं लायंस इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स फेस्टिवल का चेयरमैन था, तब कुछ लायन बंधुओं के साथ मेरी मुलाकात श्रीदेवी से अंधेरी मुंबई स्थित फिल्मालय स्टूडियो में हुई थी। उस समय श्रीदेवी अपनी फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा, इस मूवी की शूटिंग में व्यस्त थी। शूटिंग के ब्रेक के दौरान उन्होंने हमसे बहुत देर तक बातें की। पहले तो हमने कुवैत के 1988 में आयोजित उनके कामयाब कार्यक्रम के बारे में उनसे चर्चा की और इसके बाद
जब हमने उन्हें बधाई देते हुए बताया कि उस दशक की सर्वोत्तम अभिनेत्री के लायंस इंटरनेशनल अवार्ड के लिए श्रीदेवी के नाम की घोषणा की गई है, तो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता हुई और अपनी कृतज्ञता जाहिर करते हुए उन्होंने अवार्ड समारोह में खुद आकर अवार्ड रिसीव करने का हमें आश्वासन दिया। सिने जगत पर उस समय शीर्ष पर विराजमान इस अभिनेत्री श्रीदेवी ने वैसे तो अपनी नृत्य कला और अभिनय से अपने प्रशंसकों को कितना सम्मोहित कर रखा है ये बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है, पर इसके साथ साथ उनकी विनम्रता ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। लायंस फिल्म अवार्ड्स फेस्टिवल 1990 के इस समारोह के पहले जब मैंने फ़ोन पर श्रीदेवी को विलेपार्ले मुंबई के भाईदास हॉल में आने के लिए रिमाइंड किया, तो उन्होंने बड़ी ही विनम्रता से मुझसे बातें की और उनके इस हम्बल स्वभाव का जिक्र करने के साथ इस वार्तालाप का ओरिजिनल ऑडियो यहाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप खुद सुन लीजिए। बातचीत के दौरान श्रीदेवी का बार बार जी और जी हाँ जैसे शिष्टाचार युक्त शब्दों का बोलना, ये सब उनके उच्च संस्कारों को दर्शाता है जो बॉलीवुड की फिल्मी दुनिया में कभी कभार ही नजर आता है। हेलो हेलो हेलो, मैं श्रीदेवी जी से बात कर सकता हूँ? जी नमस्ते जी, मैं श्रीदेवी बोल रही हूँ। अच्छा, मेरे को आपका लेटर मिला? हेलो हेलो, मेरा लेटर आपको मिला सैटरडे को? कौन सा लेटर है जी? ये फिल्म अवार्ड फेस्टिवल हम लोग जो कर रहे हैं षण्मुखानंद हॉल में 23 मार्च को। हाँ अच्छा, तो मैं अभी देख लेती हूँ जिसमें हम, मेरा तबीयत ठीक नहीं था ऐसी, तो इसलिए शूटिंग भी नहीं जा सकती। मैं परसों आपसे बात हुई थी, आपने 2 दिन बाद फोन करने को कहा था। 25th को ना? 23rd ऑफ मार्च फ्राइडे जी। एक मिनट, हेलो, 23rd ऑफ मार्च हम लोग आउटडोर में है जी। आउटडोर में? आउट ऑफ बॉम्बे? आउट ऑफ बॉम्बे जी। देखिए श्रीदेवी जी, कुछ ऐसा कुछ कीजिए, ये बहुत हमारा काफी बड़ा प्रोग्राम होता है बॉम्बे का, पॉपुलर जी का, इसमें पूरा प्रोग्राम है ऑर्केस्ट्रा का। और मतलब आपके आने से तो आप, उसमें लेटर में लिखा है द बेस्ट एक्ट्रेस ऑफ द डिकेड, दिस वन ऑफ द मोस्ट कोवेटेड अवार्ड, तो आपसे तो हम उम्मीद करते हैं कि फंक्शन में जरूर आएंगे। आप थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर सकते हैं प्रोड्यूसर के साथ में? और हीरोज कौन है? हीरोज में देखिए दी सुपरस्टार ऑफ द डिकेड अमिताभ जी, उनका भी कंफर्मेशन ऑलमोस्ट आ गया है, शीतल से मेरी बात हुई है। और ईयर के अवार्ड में 2 लोग हैं 1989 के अवार्ड में, ऋषि कपूर और अनिल कपूर। इन दोनों में से भी हमारी गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है नेक्स्ट वीक में, उसके बाद डिसाइड होगा। अच्छा, तो कहाँ पर है कुछ की? मद्रास से ना, समुद्र दिल्ली। अच्छा, कौन सा प्रोड्यूसर है? हाँ, ये तो तेलुगु प्रोड्यूसर है। ओ देखिए, थोड़ा बहुत अभी इसीलिए कम से कम 1 महीना पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, तो अब इतना तो मतलब थोड़ा एडजस्टमेंट आगे पीछे कर लेंगे ना, इटली वेरी नाइस ऑफ यू। दिस इज द बिगेस्ट प्रोग्राम ऑफ बॉम्बे अबाउट गोइंग टू मेक ए कम्प्लीट कैसेट गोइंग टू बी टेलीकास्ट ऑन टीवी ऑल्सो। वैसे आपके लिए पब्लिसिटी इतनी बड़ी चीज नहीं है, ऑलरेडी आर फेमस अराउंड द वर्ल्ड। ओनली क्लब, एक चीज मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दिस इज द ओनली क्लब इन इंडिया विच इज अरेंजिंग दिस फिल्म अवार्ड फेस्टिवल। और इस क्लब फंक्शन में हर साल ऑल द टॉप आर्टिस्ट आर कमिंग। जब मैं आपसे मिलूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि इस फंक्शन में अमित जी आ चुके हैं, राजेश की, जया प्रदा, ऑल डिफरेंट स्टार हो गए थे अवार्ड, पर्सनली कम रिसीव अवार्ड। तो ऐसा करें, यदि आपको टाइम मिले, 5 तारीख को बाहर जा रही ना? हाँ जी। तो ऐसा बीच में यदि आपको किसी दिन इवनिंग में टाइम हो या जो भी आपको कन्वेंट है, मॉर्निंग या इवनिंग, जब आपकी तबीयत ठीक हो, फिल्म वाला स्टूडियो टुमारो कल कितने बजे आप आ जाइए? 4 o'clock in the evening? Yeah. मतलब मैं चाहता हूँ उस समय आप शूटिंग में बिजी ना हो,
नहीं नहीं जी, तो बात तो कर सकते हैं क्योंकि तो क्या शूटिंग में फिर तसल्ली से बात नहीं कर सकते नहीं हम जी, नहीं जी। हम अपने फंक्शन के दूसरे कुछ फोटोग्राफ एल्बम भी दिखाना चाहते हैं क्योंकि क्या बॉम्बे में छोटी मोटे बहुत इंस्टीट्यूट जो कॉन्टेक्ट करते हैं फोर ओ क्लॉक फिल्म वाला स्टूडियो। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। Monday 1:26 PM. हेलो हेलो हेलो, कौन? मैं मालवीय बोल रहा हूँ, श्रीदेवी जी। हाँ जी बोलिए जी, मैंने बात किया है जी। जी हाँ जी, दे आर लिविंग टुमारो, आई मीन एट 3 o'clock और समथिंग लाइक दैट। जी हाँ, सो आई हैव टू बी विद देम जी। I hope you understand, you know, it's a family, this thing. No, I can realize. Yeah, please. लेकिन एक चीज, आप जितनी बड़ी कलाकार हैं उतना बड़ा दिल आपका भी है, मुझे मालूम है। नहीं, सुनिए, आप कम से कम आपके जो फैंस हैं, आपके प्रशंसक लोग हैं जो हॉल के अंदर वेट करेंगे उनको आप यू कांट अंडरस्टैंड माय प्रॉब्लम बिकॉज़ यू नो आई कांट बी सीइंग देम फॉर 6 months, यू नो दे गोइंग टू सेटल डाउन देयर, सो ओनली दिस डे आई हैव टू स्पेंड विद देम। आप शाम को तो बाहर जाएंगे ना कि शॉपिंग के लिए या कैसे घूमने जाएंगे ना, तो आप शाम को उनके साथ में कहीं घूमने जाएंगे या शॉपिंग के लिए जाएंगे ना? हाँ, शॉपिंग के लिए। हाँ नहीं जी, आई एम नॉट गोइंग। अच्छा अच्छा, उनके साथ में बैठ के बात करना चाहेंगे ना सर? हाँ जी, बिकॉज वी नो देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स दैट वी नो वी हैव टू यू नो सिट एंड डिस्कस। अच्छा अच्छा, दैट्स द प्रॉब्लम एंड दे आर नॉट लेटिंग मी टू गो एनीवेयर, दे आर रिक्वेस्टिंग एक दिन के लिए आए हैं तो यू नो दैट्स द प्रॉब्लम। अर्लियर आई वाज वरीड अबाउट बोनी कपूर शेड्यूल। नहीं, अगर बोनी जी का भी है तो एक्चुअली आई टोल्ड हिम टू बिकॉज आई शॉट लेट नाइट इन द लास्ट नाइट, so I thought I'll be shooting till 9 to 5. Mm-hmm. But the moment the set is not ready, I told him to cancel the shooting. Mm-hmm. So मैं आपको काम का हाँ मैं आती हूँ बोल के फिर वापस मैं नहीं आऊंगी, doesn't look nice. नहीं ऐसी बात तो नहीं, आप मैं चाहता हूँ देखिए आपके जो प्रशंसक लोग वहाँ बैठे हैं उनको सिर्फ एक आप सिर्फ 15 मिनट के लिए आके उनको जस्ट वो कर देंगे ना? इट इज नॉट 15 मिनट, आई हैव टू गेट रेडी नो प्रॉपर, इफ एट ऑल आई कम आई कांट जस्ट यू नो वॉकिंग लाइक दैट, it really takes time and everything. Yeah. So I hope you understand. And yeah, I really promise you that I'll definitely come. Yeah, आपको तो क्या? इस बार मैं really माफी चाहती हूँ आपको, you know, I'm not able to meet it. देखिए कभी भी मतलब हमारे को अभी आशा की किरण अभी हमारे सामने है। नहीं जी प्लीज, अभी बाकी सब बड़े बड़े लोग आने वाले हैं तो मेरा ऐसे नहीं, अगर थोड़ा भी चांस होते तो ना मैं डेफिनेटली आई वुड हैव रियली कम, इट्स ओनली emotional problem I have. अच्छा, I can realize the problem. Yeah. But at least if you kindly realize our problem also, I will appreciate it. क्या करूँ आपको भी? Because you know, today they have come here and you know, if I don't spend time and I just walk out for the function, it doesn't look nice. Now all the tickets are sold out. We are putting the board of house full, and all these more than 1,000 people, they've got a keen desire to. I didn't confirm it at all. But glimpse of the best actors of the year, they have just a will. क्या बाकी सब लोग हीरोइंस भी आ रहे हैं ना? देयर आर सो मेनी ऑफ देम, पर एक पर उनमें वो चीज नहीं है जो श्रीदेवी जी में है, ये तो आप खुद भी जानती है, पूरा कंट्री जानता है। अगर मेरे सिर्फ एक ही है तो आई डोंट रियली, बट देयर आर सो मेनी ऑफ देम, यू नो अगर ये बार नहीं है तो दूसरी बार मैं आई प्रॉमिस यू डेफिनेटली कम, आई रियली प्रॉमिस यू, बट दिस टाइम रियली आई एम हेल्पलेस। इट्स नाइस ऑफ यू, वी आर प्रॉमिसिंग, लेकिन ऐसा है ना आज यहाँ पर हैं आप, अगले साल क्या पता कि मद्रास में हो अब्रॉड में हो ना, प्लीज नहीं हो सकता। देखिए हो सके तो मैं आपको शाम को एक बार फोन करके देखूं, इफ यू डोंट माइंड। अभी करने में कुछ फायदा नहीं होगा जिस मैं तो बाहर कहीं नहीं जा रही, आई विल बी एट रूम ओनली, बट दे आर नॉट लेटिंग मी टू डू माय डबिंग और एनीथिंग, आई एम जस्ट सिटिंग एंड डिस्कसिंग विद देम, यू नो रियली द प्रॉब्लम। All the member of our Lions Club, I'm talking only of our own Lions Club member. Yeah, I can understand next time, I really promise. देखिए अभी आज की शाम सामने है तो आप यदि थोड़ा भी मैं तो समझता उनको श्रीलता जी को भी लेके आ जाए माता में, वो कैसे आएंगे because they have to leave and you know all the packing and everything and they can't just you know come with me and they're not letting me to go, so they're requesting me, you know they said please otherwise I'll talk to him, request करती हूँ मैं, you know so mentally doesn't look nice, you know my husband also here. देखिए तो मतलब मैं थोड़ी अभी मोहित में तो हिम्मत नहीं आ रहा हूँ आपके। नहीं जी प्लीज, ऐसे मत बोलिए, डोंट मेक मी गुस्से,
क्योंकि मैंने आप कुवैत में मतलब वहाँ पर था तो पब्लिक का रिस्पांस आपके सामने देखा मैंने कुछ अपनी आंखों से, दो शो दोनों शो मैंने देखे क्योंकि बप्पी लड़की के ग्रुप के साथ में था ना मैं, मतलब वहाँ पर डेपुटेशन पर गया हुआ था तो बप्पी जी लड़के साथ में हम लोगों ने पहले भी काम किया था तो उन्होंने मुझे बुलाया तो दोनों शो में मैंने देखा था आपका रिस्पॉन्स, तो वो हिसाब से भी आप यहाँ पर भी आपको देख के लोगों को जी हाँ हाँ जी आप बोलो ना नेक्स्ट टाइम। अच्छा मैं देखता हूँ शाम को तो कोशिश करता हूँ कि मान लो कि कैसा हो जाए। नहीं जी अभी कुछ नहीं होने वाला है, अभी उससे बुरा होने वाला है। देखिए आप इतना सब आपको हम लग के मानते हैं कि नहीं जी रियली आई एम रियली सो हैप्पी दैट यू आर सॉरी फॉर दैट व्हाट यू डू ना सडनली इट हैपेंड आई नो। लेकिन देखो कोशिश करता हूँ मैं शाम को कॉन्टेक्ट करूँ, आई थिंक यू विल नॉट माइंड फॉर दैट। ओके थैंक यू वेरी मच। अपने छोटे से जीवन काल में श्रीदेवी ने जिस तरह अपनी कड़ी मेहनत और काबिलियत से जो कामयाबी और शोहरत पाई उसे सिने प्रेमी बरसों भुला नहीं पाएंगे। उनकी असमय मृत्यु ने एक ऐसा शून्य पैदा कर दिया है जिसे न जाने कब और कौन भर पाएगा। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। दोस्तों यादों का सफर के अपने पिछले अलग अलग एपिसोड्स में मैं कई बड़ी बड़ी शख्सियतों के साथ अपनी मुलाकातों के यादगार लम्हे शेयर कर चुका हूं, जिसे हजारों दर्शकों ने देखा और पसंद किया है और हमें आप सबके उत्साहवर्धक कमेंट्स मिलते ही जा रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आगे भी अपनी इस UCMB चैनल पर और भी कई बड़ी हस्तियों से अपनी मुलाकातों के रोचक संस्मरण प्रस्तुत करता रहूंगा और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे कलेक्शन के फोटो वीडियो आदि से भरपूर क्रिएशंस को आप अवश्य पसंद करते रहेंगे। आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए ताकि समय पर आप उन्हें देख सकें और अपने वैल्यूएबल कमेंट देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।